हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके जस्ट फोन से बस आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है, और आप महीने के इस एप्लीकेशन को यूज करके 15 से 10 हजार आराम से अर्न कर सकते हो। मैं एक दो घंटे की बात कर रहा हूँ, एक दो घंटे आपको यहाँ पे देना और आप महीने के 10 से 15 हजार आराम से निकाल लोगे। और थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो 3-4 घंटे, तो यहाँ पे आप 30-30 हजार भी इस एप्लीकेशन से अर्न कर सकते हो। अब देखो, मुझे पता है जहाँ तक कि आप यूट्यूब पे जाते होंगे, गूगल पे जाते होंगे और सर्च भी करते होंगे, और काफ़ी सारे लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए कि वो जाके कुछ भी देख लेते हैं और जो भी उस वीडियो में या उस आर्टिकल में बताते हैं कि भाई ये कर लो इससे आपको अर्निंग हो जाएगी, वो वही करने लग जाते हैं। कई सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि आपको बताते हैं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, इसमें 10 हजार इन्वेस्ट कर दो, 5 हजार इन्वेस्ट कर दो, इतने दिन में आपको इतने रुपए मिल जाएंगे, एक एक घंटे में आप 2-2 हजार कमा लोगे। अगर ऐसा पॉसिबल है तो भाई वो खुद क्यों नहीं कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्यों वीडियो बना के आपको बता रहे हैं, वो खुद कर ले। अब देखो, मैं जो ये तरीका बताने वाला हूँ, आप ये खुद मेरे पे भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि मैं भी क्यों ना अर्न कर लूँ 15 हजार। मैं देखो फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, मैं कोई पार्ट टाइम यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करने वाला हूँ। और इसमें जो मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ, ये एप्लीकेशन जिसमें आप काम करोगे, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हवा हवा में जाके काम करके पैसे कमा लोगे। एक्चुअली यहाँ पे आपको टाइम देना होगा, एक्चुअली यहाँ पे आपको हार्डवर्क करना होगा, मेहनत करना होगा, तब आपको कोई 15 हजार देगा। 15 हजार फ्री में आपको कोई नहीं दे देगा। तो ये एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस एप्लीकेशन में आपको जेन्युइन तरीके से काम करना होगा, तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। और चाहोगे कि भाई आप फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और आपको महीने में 15 हजार मिलते जाएंगे बिना कुछ किए, तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो कहूँगा कि भाई ऐसी अगर सोच रखते हो तो भाई ऑनलाइन तो नहीं अर्न कर पाओगे पैसे। तो अगर सच में आप ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो, आप एक सही वे में एक जेन्युइन तरीके से पैसे अर्न करना चाहते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, कोई भी पैसे आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, बस काम करना चाहते हो और उसके थ्रू आप अर्निंग करना चाहते हो, तो इस वीडियो को देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आप 101% ऑनलाइन पैसे आप अर्न करोगे, वो भी आप अपने फ़ोन के थ्रू। बस आपको समझना होगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अर्निंग करोगे और कैसे उस पैसे को आप अपने बैंक मिलोगे। ये सारा प्रोसेस एक एक करके बताने वाला हूं, तो वीडियो को सही से देखना। तो चलो फिर अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों, एप्लीकेशन का जो मैंने लिंक है, जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उस एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहां से इस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी से और फोन नंबर से आपको इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे कैसे अर्निंग होती है, कैसे जो भी पैसा आप अर्न करोगे उसे आप विड्रॉल करोगे, वो सारे प्रोसेस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो का ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने स्किप किया आगे या पीछे करने वाले हो कर दिया, कोई बात नहीं। अब जो आपका यहाँ पे आने वाला है उसे आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे कैसे अर्निंग होती है वो हम समझ लेते हैं पहले, और देन फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आपने अर्निंग की है उसे आप कैसे विड्रॉल करोगे। अब देखो, अर्निंग करने के इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे तरीके हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम आपको बेसिक लेवल पे बताऊंगा, और धीरे धीरे आप इतने समझदार हो कि आप समझ जाओगे, क्योंकि अगर डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बात करने लगे तो वीडियो आई थिंक 1-2 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग ये एप्लीकेशन है। दैट्स वाई मैं जो भी बेसिक लेवल की चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद भी समझ जाओगे, इतना तो आप समझदार हो मुझे यहाँ तक लगता है। अब देखो यहाँ पे अर्निंग कैसे होती है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। अब ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट, लोन, मर्चेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इंश्योरेंस और अदर्स। अब यहाँ पे आप इन सारे ऑप्शन को कैसे यूज़ करके अर्निंग करोगे ये हम समझ लेते हैं, देन फिर और तरीके हैं अर्निंग करने के, फिर उसके बाद हम वो समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, तो जैसे आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे टैप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लॉड लेगा, ये वाला इंटरफेस लॉड लेने के लिए, एंड देन फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर आप ऊपर में देखोगे तो एक क्रेडिट कार्ड है जो कि IDFC फर्स्ट बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है, और अगर आप ऊपर में साइड में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्न अप टू 1300 रुपये। तो आप अगर इस क्रेडिट कार्ड को सेल करते हो, और सेल कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप समझ लो कैसे आपको यहाँ पे 1300 रुपये मिलेगा। अब जैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को सेल करते हो, सेल किसको करेंगे, जिसको नीड है, मतलब आपके फैमिली मेंबर में या आपके दोस्त के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में तो कुछ ऐसे बंदे होंगे, या कोई भी ऐसा बंदा है जिसको क्रेडिट कार्ड की नीड है और जो एकदम फ्री हो और उसका एनुअल फी भी एकदम जीरो हो। ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी नहीं देनी पड़ेगी, ये एकदम एनुअली फ्री है। मतलब जो क्रेडिट कार्ड में यूजुअली क्या होता है, आपको साल में कुछ पैसे पे करने होते हैं, 300 रुपये, 400 रुपये, 900 रुपये,
जिस लेवल का क्रेडिट कार्ड होता है उस लेवल का आपको पेमेंट करना होता है और कुछ ज्वाइनिंग फी भी होता है। बट ऐसा इस मतलब क्रेडिट कार्ड में IDFC फर्स्ट जो बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है इसमें ऐसा कुछ भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप ज्वाइनिंग भी फ्री में कर सकते हो और आपका जो एनुअल फी है वो भी एकदम फ्री होने वाला है। कोई भी चार्जेस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नहीं देने होते हैं। अब जिसको इस टाइप के क्रेडिट कार्ड की नीड है उसे आप ढूंढिए और उसके बाद आपको क्या करना है, शेयर लिंक टू ऐड कस्टमर पे टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करोगे तो ये लॉर्ड लेगा लॉर्ड एंड देन फिर आपके फ़ोन में जो भी सोशल मीडिया होंगे वो खुल के आ जाएंगे। अगर आपका फ्रेंड इंस्टाग्राम पे है तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हो, अगर आपका फ्रेंड ट्विटर पे है या टेलीग्राम पे है या व्हाट्सएप पे, मोस्ट ऑफ द जो टाइम है आपके फ्रेंड या आपके फैमिली मेम्बर व्हाट्सएप पे ही होंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, व्हाट्सएप पे टैप करना है। व्हाट्सएप पे जब आप टैप करोगे तो सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा उस व्हाट्सएप पे ही कि किसको आपको शेयर करना है, और बस आपको जहाँ पे भी शेयर कर रहे हैं इस एप्लीकेशन का मतलब इस क्रेडिट कार्ड का लिंक उसे आपको शेयर कर देना। अब जैसे आप वो लिंक को शेयर करोगे तो जो भी बंदा उस लिंक पे टैप करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करता है और अप्लाई करने के बाद उसका जो ये क्रेडिट कार्ड है उसके पास आ जाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको अप टू 1300 रुपये तक मिल जाता है। अप टू का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये मिलेंगे और यहाँ पे चांसेस होते हैं कि 1000, 1200 या 500 या 800 ऐसे मतलब मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपके 1800 रुपये जो है क्रेडिट हो जाते हैं और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपके 1300 रुपये तक मिल जाएंगे इस क्रेडिट कार्ड को सेल करने पे। एंड इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं, लाइक HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड है। अगर आप इसे सेल करवाते हो तो यहाँ पे आपको अप टू 2200 रुपये तक मिल जाता है, लगभग 2000 तक यहाँ पे आपको मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है। ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है जो ऑनलाइन खाना मंगाते हैं और स्विगी से अगर खाना मंगवाते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड को अगर वो खाना मंगवाते समय यूज करते हो तो 10% का जो है यहाँ पे आपको मतलब कैशबैक मिल जाता है, तो जिसके थ्रू आप यहाँ पे और भी ज्यादा अर्निंग करोगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस क्रेडिट कार्ड में काफी सारी चीजें मेंशन भी की है, HDFC स्विगी जो बैंक का ये जो क्रेडिट कार्ड है मतलब स्विगी इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो स्विगी से चीजें ऑर्डर करते हैं तो स्पेसिफिकली ये क्रेडिट कार्ड स्विगी और लाइक यहाँ पे मेंशन किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, अमेजोन से कोई चीज़ अगर वो बाय करता है या ऑर्डर लगाता है तो 5% का कैशबैक मिलता है, स्विगी से अगर वो कोई भी चीज़ ऑर्डर करता है, इंस्टामार्ट हो गया और भी काफ़ी सारे जो है ब्रांड से लिंकअप है इन क्रेडिट कार्डों का, तो अगर वो वहाँ से वो चीज़ें ऑर्डर करता है, स्विगी से कोई फूड ऑर्डर किया तो उसमें से आपको जो है 10% का जो कैशबैक है वो आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, अजियो, ओला, उबर, इन सारे चीज़ों को बेसिकली जो ऑनलाइन चीज़ें करते हैं ना उन लोगों के लिए जो HDFC स्विगी कार्ड है ना ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो जिन लोगों को इस टाइप की क्रेडिट कार्ड की नीड है उसे आप शेयर कर सकते हो या खुद भी आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली जो ज्वाइनिंग फी है वो 500 रुपये है, एनुअली यहाँ पे चार्ज लगता है, 500 रुपये आपको एनुअली चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जिसको नीड है इस क्रेडिट कार्ड की उसे आप शेयर कर सकते हो और मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है, तो बाकी तो आपका इसका कस्टमर केयर का सपोर्ट भी है। आप कॉल करके इस एप्लीकेशन के कस्टमर केयर से एक पर्सनल ओपिनियन या सजेशन ले सकते हो, कैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको ट्रेनिंग वीडियोस भी देखने को मिल जाती है, अगर आप इस वीडियोस पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो आई थिंक अगर मैं ये चलाऊंगा इस वीडियो में तो कॉपीराइट आने के चांसेस है। तो आप यहाँ पे अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो देख के उस डाउट को या प्रॉब्लम को क्लियर कर सकते हो। बाकी इसका कस्टमर सपोर्ट भी है इस एप्लीकेशन का, तो इनके कस्टमर सपोर्ट को भी कॉल करके जान सकते हो कि इस टास्क को कैसे कंप्लीट कर। एंड इसी तरीके से यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं जिसे आप सेल करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो, 2400, 2000, यहाँ पे 3100 रुपये मिल जाते हैं इस क्रेडिट कार्ड को सेल करने पे। तो ओवरऑल यहाँ पे आप इस तरीके से ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट सेल करने पे भी अर्निंग होती है। आप बोलोगे बैंक अकाउंट कैसे सेल करते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ और जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता है तो बैंक अकाउंट में मैं सिंपली जो ले जाकर आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली जो बैंक अकाउंट पर टैप करोगे तो आपको यहाँ पे जो IDFC जो फर्स्ट बैंक अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट है इसका ही आपको जो है ये मतलब अकाउंट भी मिल जाता है अगर आप इसे सेल करवाते हो तो। ज्वाइनिंग ये सेविंग अकाउंट है तो यहाँ पे जो ज्वाइनिंग है वो एकदम फ्री है, कोई भी इनिशियली आपको फंड नहीं करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ इनिशियली फंड देना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग फ्री है। तो यहाँ पे अगर आप इस बैंक अकाउंट को ओपन करवाते हो जिसको नीड है, उसके बाद यहाँ पे आपको अगर वो अकाउंट ओपन करता है और सेम प्रोसेस है, आपको सिंपली जो है शेयर लिंक टू ऐड कस्टमर पे टैप करना है और यहाँ पे आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपके फ्रेंड है या जहाँ पे भी आपके कस्टमर है वहाँ पे आप इसको जो है इसके लिंक को शेयर कर सकते हो। और जैसे वो लिंक पे टैप करके अपना जो अकाउंट है इसमें बनाता है तो यहाँ पे आपको 400 रुपये के आसपास मिल जाता है, 420 रुपये लिखा है बट 420 या 400 रुपये के आसपास मिल जाता है अकाउंट ओपन करवाने पे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक्सेस अमेजोन सेविंग अमेज
अमेजोन नहीं है, अमेज सेविंग अकाउंट को अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पे जो इनिशियल फंडिंग है वो 5,000 है। अगर आप 5,000 मतलब डिपॉजिट करते हो जो भी अगर अकाउंट ओपन करता है तो यहाँ पे सीधे आपको 600 रुपये मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप ये वाला जो IDFC जो फर्स्ट बैंक है, मल्टीपल ऑप्शन है बेसिकली इस एप्लीकेशन में। तो जैसे कि आप अगर आप देख सकते हो सेविंग अकाउंट किसको नीड है किसी को, और गेट अप टू 7.25% का जो आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है सेविंग अकाउंट में। सो ओवरऑल ये जो बैंक है काफ़ी ज़्यादा सही है, आप इसमें जो है किसी को जो है ओपन करवा सकते हो सेविंग अकाउंट, और इजीली मुझे जहाँ तक लगता है खोलना चाहते हैं लोग ऑनलाइन जीरो सेविंग बैलेंस अकाउंट, तो यहाँ पे आप बैंक को शेयर कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे बैंक थे, HDFC बैंक था, एक्सिस बैंक था, ICICI बैंक था, बाकी यहाँ पे आपको लोन्स का भी ऑप्शन मिल जाता है अगर किसी को नीड है। देखो यार रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारे लोगों को पर्सनल लोन की नीड होती है, तो यहाँ पे आप लोन भी सेल करवा के अप टू यहाँ पे 1900 रुपये तक अर्न कर सकते हो। उसी तरीके से मर्चेंट अकाउंट जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, मर्चेंट अकाउंट वो होता है जो आपको जो ग्रॉसरी के शॉप पे आप जाते होंगे दूध वूध लेने के लिए, जो आप स्कैन करके पे करते हो तो वो मर्चेंट अकाउंट के अंदर आता है। तो वहाँ पे आप मर्चेंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो अपने एरिया में जो दुकान है उनके पास जा जाके। जो आपने नोटिस भी किया होगा अगर आप एक दुकानदार हो तो आपके पास कई लोग आए भी होंगे कि भाई आप मर्चेंट अकाउंट ओपन करवा लो, इससे आपको काफ़ी सारे प्रॉफिट और बेनिफिट होते हैं। तो इस तरीके से आप जाके ऑफलाइन भी लोगों के साथ मिलके आप बोल सकते हो भाई मैं आपका मर्चेंट अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ, ये बेनिफिट है। तो इस तरीके से भी लोग ओपन करवाते हो, तो इसके थ्रू भी यहाँ पे आपको अप टू 800 रुपये तक अर्निंग हो जाती है मर्चेंट अकाउंट ओपन करवाने की। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो, लाइक ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया। तो इस टाइप के जो है अगर एप्लीकेशन के अंदर किसी का डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो कैसे करना है मैं आपको लाइव ले जाकर दिखाई देता हूँ। आप जैसे जैसे तो कोटक सिक्योरिटी ट्रेडिंग ये अकाउंट है अगर किसी का, अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हो और कोई अगर ट्रेड करता है तो सीधे आपको 200 रुपये मिल जाता है। एम स्टॉक डीमेट अकाउंट अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करवाते हो तो ज्वाइनिंग फी बिल्कुल फ्री है, ब्रोकरेज 0 है, और यहाँ पे जो है अगर ये कोई भी आपके लिंक से इस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन करता है डीमेट अकाउंट जहाँ पे ट्रेड लेते हैं सेल करते हैं स्टॉक बाय करते हैं सेल करते हैं वो बेसिकली है, जिन लोग उन्हें समझ में आ रहा है डीमेट अकाउंट उसी को कहते हैं। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं डीमेट अकाउंट में, SIP करवाना होता है और म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें। कोई भी अगर आपके लिंक से ये एम स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाता है तो आपको सीधे 700 रुपये मिल जाता है। तो ओवरऑल इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है किसी को ओपन करवा सकते हो या सेल करवा सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप इंश्योरेंस भी सेल करवा के अर्निंग कर सकते हो, अदर्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शन है अर्निंग करने के। डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैंने आपको ऊपर से बता दिया कैसे यहाँ पे अर्निंग होती है जो कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ओवरऑल इन सारे फीचरों से अर्निंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ट्रेनिंग का, जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग में आते हो तो यहाँ पे आपको लाइव वेबिनार भी देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सारे जो बड़े मतलब इन्फ्लुएंसर हैं वो वेबिनार करते रहते हैं, जो काफ़ी सारे मतलब जो अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं इस एप्लीकेशन से वो वेबिनार में आके जो है अपनी चीज़ों के बारे में बताते हैं कैसे वो अर्न कर रहे हैं इस एप्लीकेशन से, वो सारी चीज़ें जो है इंटरव्यू वेबिनार लाइव वेबिनार में होता रहता है। वीडियो ट्रेनिंग में आप जाके जो है काफ़ी सारे जो है ऐसे मतलब समझ सकते हो KYC कैसे होती है, जीपे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, इंडस बैंक का सेविंग अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, ये सारे जो आपको ट्रेनिंग वीडियो में ही सारे जो वीडियोस है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप टॉप FAQ में आके जो है जो भी टॉप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, और यहाँ पे आप कस्टमर सपोर्ट भी ले सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हेल्प में ही आ जाती है जब आप हेल्प में जाते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना होता है अगर कस्टमर केयर को कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इस एप्लीकेशन के अंदर। बाकी यहाँ पे आप जो है अपना जो है टीम भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप कंटिन्यू पे टैप करोगे और अपना जो टीम ऐड करते हो तो आपका जो बंदे हैं वो अगर काम करते हैं तो उसके थ्रू भी यहाँ पे आपको अर्निंग होती है। तो आप अपना जो है टीम भी क्रिएट करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। तो यही कुछ तरीके थे इस एप्लीकेशन में अर्निंग करने के। एंड अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जो भी पैसे आपने इस एप्लीकेशन में अर्न किए हैं उसे आप कैसे विड्रॉल करोगे। तो पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको सिंपली जो है अपने इस प्रोफाइल वाले आइकन पर टैप करना है। जैसे आप इस प्रोफाइल वाले आइकन पर टैप करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, और नीचे में आपको देखने को मिल जाएगा वॉलेट एंड पे आउट का, पैसे विड्रॉल करने के लिए बता रहा हूँ तो सही से देखना, ये वाला पार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, सिंपली वॉलेट एंड पे आउट्स पे टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे वॉलेट एंड पे आउट्स पे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है एड पे आउट डिटेल, तो आपको सिंपली जो है एड पे आउट डिटेल पे टैप करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर पैन नंबर, तो जो भी आपका पैन नंबर है वो आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके पास खुद का पैन कार्ड नंबर ना हो या वो इतने एजेड नहीं है, मतलब 18 साल के बाद ही पैन कार्ड मिलता है, और आई थिंक कि बच्चों वाला भी पैन कार्ड मिलता है, मुझे नहीं पता, जहां तक मुझे पता है कि भाई 18 साल का जब मैं हुआ तभी मेरे को पैन कार्ड मिला। अगर आपके पास खुद का पैन कार्ड नहीं है तो आप अपने फैमिली मेंबर में किसी का भी पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसा है नहीं कि गलत एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, लाखों लोग ने
इस एप्लीकेशन को रिव्यू किया है, आप जाके पर्सनली इसके काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हो। काफ़ी ओवरऑल अच्छा एप्लीकेशन है, जेन्युइन एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ लोगों को होता है डाउट कि भाई अगर हम अपना पर्सनल डिटेल डालें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आप अपने फैमिली मेंबर किसी का भी पैन कार्ड नंबर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा ऐड अकाउंट, तो आपको सिंपली जो है ऐड अकाउंट पर टैप करना है। इसके बाद आपका जो भी IFSC कोड है अपना अकाउंट का वो डालना है, उसके बाद चेक पे टाइप करना है, फिर बोलेगा अपना अकाउंट नंबर डालो तो अकाउंट नंबर डालना है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा इस एप्लीकेशन के साथ। और फिर आप यहाँ पे जो है वीकली जो भी आपने अर्निंग की है वो आप देख पाओगे, मंथली जो आपने अर्निंग की है वो आप देख पाओगे, और जो भी आप यहाँ पे अर्निंग करते हो उसे सीधे आप अपने बैंक अकाउंट में ले पाओगे। सो या इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एकदम डिटेल में एकदम सही से मैंने इस वीडियो में बताया कैसे आप इस एप्लीकेशन से अर्निंग कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। 24 घंटे मैं अपने यूट्यूब पे ही बैठा रहता हूँ, कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी होती है तो मैं उनके आंसर कर दिया करता हूँ। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप डेली बेसिस पे अर्निंग करना चाहते हो तो मैं अपने टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारे ऐसे ऑफर डालता रहता हूँ। और एक चीज़ और है, टेलीग्राम पे जैसे 2000 सब्सक्राइबर मेरे हो जाते हैं तो वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे लिफाफा भी डालता रहूँगा, तो लिफाफा के थ्रू भी काफ़ी सारे लोगों को डेली बेसिस पे अर्निंग होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम को भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, पसंद क्या है ज्वाइन कर लेना भाई, वहाँ से भी अर्निंग हो ही जाएगी आपकी। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।